तीसरा क्वेश्चन, वॉट हैड बीन पुट अप, क्या लगा हुआ था, व्हाट हैड बीन पुट अप, क्या लगा हुआ था ऑन द नोटिस बोर्ड। भाई साहब नोटिस बोर्ड पर क्या लगा हुआ था, मतलब क्या खबर आ रही थी नोटिस बोर्ड से, नोटिस बोर्ड से क्या खबर आई थी, क्या ऑर्डर आया था, क्या प्लान था नोटिस बोर्ड के ऊपर, वो बताओ। तो भैया एन ऑर्डर हेड कम, ये सेम टू सेम बुक की लाइन है, एन ऑर्डर हेड कम, एक आदेश आया था फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से। अगर तुमने 31 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे, 31 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में देखे होंगे तो बहुत अच्छा होगा बेटा, क्योंकि उनसे पहले तो पार्ट पढ़ा तुमने, पार्ट पढ़ने के बाद में जो मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करी उसको ढंग से पढ़ा, उसके बाद में दूसरा वीडियो तुमने 31 क्वेश्चन लगाए और उसके बाद में अब ये क्वेश्चन लगा रहे हो, तो भैया ऐसे मान लेना पूरा पाठ याद हो जाएगा कंप्लीट अगर पढ़ लोगे तो। कि एन ऑर्डर, एक आदेश हेड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया था कि टू टीच ओनली जर्मन, अब उनको क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स, स्कूल्स में जर्मन पढ़ाई जाएगी, स्कूल्स का नाम है एलसेस एंड लॉरेन, एलसेस एंड लॉरेन नामक स्कूल के अंदर उनको क्या पढ़ाई जाएगी, ये जो जगह है एलसेस एंड लॉरेन इनकी स्कूलों के अंदर उनको क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन। द जर्मन्स हैड पुट अप, जर्मन्स, जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस, का मतलब जर्मनी ने आक्रमण किया था, तो जर्मन्स कौन हो गए, जर्मनी के लोग हो गए, कि जर्मन के लोगों ने हेड पुट अप लगा दिया था दिस नोटिस, यह है नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। भाई साहब नोटिस बोर्ड से क्या खबर आई थी, कि एन ऑर्डर, मैं फिर से रिपीट करता हूं पूरा क्लियर करके, कि एन ऑर्डर, एक आदेश हेड कम आया था, आदेश कहां से आया था, फ्रॉम बर्लिन, क्या आदेश था कि टू टीच ओनली जर्मन, टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, कहां, इन द स्कूल्स, स्कूल्स में दो स्कूल, दो जगह का नाम है एलसास एंड लॉरेंस, एलसास एंड लॉरेंस की स्कूल के अंदर क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, एंड जर्मन्स ने हेड पुट अप, जर्मन के लोगों ने हेड पुट अप लगा दिया था दिस नोटिस, यह है नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर यह नोटिस आ रहा था। यह है सर हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन।